अरे मोबाइल में क्या देख रहा, वहाँ तेरा पानी टूटा लग रहा। अरे टूटन दे, तू आ जाओ रे, थोड़ी सी रह रही। ले हमें भी दिखा, क्या दिखा है। अरे हमें भी तो दिखा, क्या देख रहा। अरे तू चुप बैठ जा, मन्नू की फिल्म देख रहा, थोड़ी सी देख तू भी। अरे हाँ भाई, हा हा हा। ए नहीं मार, ए ते, ए मार फिर मार। अरे देख, ए ले यू लगाओ। ओले यार, नेट भी खत्म होगा, अब बता के क्या था। मैं क्या बताऊं, तू इसमें लग रहा, वहाँ पानी टूट लग रहा तेरा। ले भाई अब देखेंगे पानी को भी, अब हुई फुर्सत मोबाइल से। हाँ चल यार, तेने भी ऐसा खड़ दू घाट रखा जैसे मॉल का पानी चल रहा हो। चल अरे ऐसा कर, मन्नू के दीवाने। अरे यार सही कह रहा, ध्यान तो मेरा मन्नू की फिल्म पे ही था। नक्का तो मुन्नीरा, फिल्म बनाओगा तू, सारा पानी खराब हो लिया। ले भाई मुंद गया नक्का भी। अब बता तू कहाँ घूम रहा। आ घूमना के, हम दोनों तो एक से हो गए। कैसे? अरे तुझे फिल्मों का शौक है और मुझे गाने का शौक है। अच्छा, अरे यार एक दिन मैं जरूर फिल्म बनाऊंगा, तू देख लियो। अरे तू फिल्म बनाओगा तो हम भी गाना गाओगे, दोनों साथ करेंगे काम। अरे हाँ तू तो इतना बड़ा सिंगर है यार। ओ तू भी तो बहुत बड़ा हीरो है। अच्छा हाँ तो आ देख लेंगे। अरे देख लियो। अरे यार आज पिताजी से पैसे लेके रिचार्ज करवाऊंगा इसमें। लिया तू? हाँ कहाँ घूमता फिर ऐसा भेजी से? घूमता कहाँ फिर पिताजी, खेतों में पानी चला गया। अरे वो तो हमें पता, जरा तू पानी चला गया, हमें तो जो लोग गांव में मिल रहे सब लोग कह रहे तो हर वक्त मोबाइल को आंखों के लगाए रखे, मोबाइल में जा रहे हर वक्त। तुझे अपने पेपरों का भी ध्यान है कुछ, तेरे पेपर सिर पर आ रहे। पिताजी वे सब तो लंक लगा है, और मैं तुम्हारा एकलौता बेटा, मैं थारी ना मानूंगा तो किसकी मानूंगा, यू बताओ। और तुम पेपरों की चिंता तो बिल्कुल ना करो, उनकी तो मैंने पूरी तैयारी कर रखी। और रही बात पिताजी मेरी, मुझे फिल्मों का ही तो शौक है, और कोई ऐप तो नहीं मेरे अंदर। अरे बेटे मैं तो तुझे एक ही बात समझाऊं, जब से तेरी माँ मरी ना, मारे रोटियों को भी लड़ने पड़ रही। मैं तो जो सोच रहा हूँ हमारा कोई रोटी बोन वाली आ जा, वरना हमें तो नहीं लग रहा बेटा, हमें टुकड़ा भी नसीब ना होने का, हम नहीं मिल रही। पिताजी मैं तो नू कह रहा, सबो की तरह मॉडल आवेगी एकदम फैशनेबल। अरे के कह रहा रम्मी, जा जाकर रोटी खा ले बेदेरी, हमें ना चाहती है जी फैशनेबल, हमें तो कोई सीधी सादी जी चाहिए जो हमें टुकड़ा दे दे। मुझे ऐसा लगा है पिताजी ने बनन देने के मुझे हीरो, पर मैं बन के छोड़ूंगा। अरे कहाँ है? हाँ राजू अभी तैयार नो यहाँ तू? अरे तैयार के खेत से आया, पिताजी ने पकड़ लिया, एक बैत और लग गई यार। अच्छा जी, और यार अब तो पढ़ना पड़ेगा, पेपर आ लग रहे सिर पे, ट्यूशन में चल रहे। आ तो आ बैठ, इतने में कपड़े बदल लू, कॉपी ले लू। बदल ले। एक सेंटेंस तुझे 10 बार समझा लिया पर तेरे दिमाग में नहीं आ रहा, पूरे गाँव के चक्कर काट जाएगा, इन किताबों में ध्यान नहीं दे रहे। मास्टर जी हमें भी बता दो कुछ। अरे नीचे बैठ जा। नमस्ते सर। नमस्ते, जूली बहुत लेट आवे तू, चल बैठ जा। सर जी मुझे भी बता दो कुछ। कल जो तुझे काम बताया था वो करके लाया? क्यों, भैंस को सन्नी कर रहा था, गोबर ठहरा था, हैं रोटी पूरा था, काम में तो ध्यान है ही ना। मास्टर जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते हरी दो दो, रोज बहुत लेट आते हो तुम, रोज का काम हो रहा था रा। लेट तो ऐसे आवे जैसा कोई मंत्री आ रहा हो। चुप नालायको, हंस रहे, चलो बैठो क्लास में। अरे तन्नु कल तजा ग्रामर का काम दिया था, कर लाया? अजी मास्टर जी वो ना आया मेरी समझ में, मुझे दोबारा समझा दो। हाँ तू क्यों करेगा कुछ, हर वक्त तो तू मोबाइल में बड़ा रहे, फिल्म देख खुजा। मास्टर जी जना पढ़ना वरना ये तो हीरो बनना। तेरे तो पूछा किसी ने, तू वकील है इसका? जूली तू करके ले ही काम। यस सर। दिखा। शाबाश जूली शाबाश, ये लो। लाओ सर। ऐसे ही तरक्की करते रहो, ऐसे ही काम करते रहो,
हाँ भाई राजू, अरे तजा जो कल काम दिया था वो लाया करके। हसरा तेरे दांत काट दूंगा। रोजी बैठ रहा मैं तो चुप। हाँ भाई राजू, तजा जो कल काम दिया था फास्ट फ्यूचर प्रेजेंट्स का कर लाया। मास्टर जी कल मेरे गाने की रिकॉर्डिंग थी, मैं वहाँ चला गया था जी। तू और तन्नू तो गाने बजाने में ही रही हो। अरे मिरासी बन जाओ मिरासी। मास्टर जी तुम देखियो, एक दिन हम तुम्हारा ऐसा नाम रोशन करेंगे सारा गांव खड़ा होकर देखेगा। हाँ जरूर करोगे मेरा नाम रोशन, तब मेरा नाम गंदा तो कर सको रोशन नहीं कर सकते। मास्टर जी देखियो, एक दिन ऐसा नाम रोशन करेंगे तारे जब 100 में से 10 आओगे ना, जब देखियो। ओए चुप बैठ जा। अरे यू पांच तला धर ले, सिनेमा हॉल की सीट ना आया। गुरुजी अंग्रेजी में कमजोर हूँ मैं। आई लव यू तो फट देने से बोल देगा तू। हसरा तेरे दांत काट दूंगा, पढ़ते लिखते हैं नहीं, और की 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 करो जहाँ क्लास में आके। चलो जाओ नालायको। चल भाई। मास्टर जी नमस्ते। नमस्ते। राम राम जी। राम राम। राम राम। राम राम। अरे राम राम, चलो जाओ। मास्टर जी एक बार और नमस्ते। अरे ले ली तेरी नमस्ते, और घर जाके इस किताब में ध्यान दे लिए। ठीक है जी। एक अंकर नहीं पढ़ते, मेरा खून पी लिया सारा। सुसरों ने दिमाग खराब कर दिया, अंकर नहीं पढ़ते बिल्कुल भी, रोज इनके दिमाग में गोबर भरा रहे। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा हम तो तेरे आशिके हैं सदियों पुराने, तू माने या ना माने। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, तू माने या ना माने। बदन पे सितारे लपेटे हुए जाने तमन्ना की। अरे मान जा, बाज ना आवे तो। जुली मैं तेरे से बहुत प्यार करूं। अब क्या कहिए, क्या कह रहा, मैं तेरी सिकल बिगाड़ दूंगी। अरे मैं कहता क्या, मैं तो गाना गा रहा। रहन दे मैं सब समझू, तो कितने पानी में कम मैं भी ना हूँ। अये हाय मेरी सबो, मैं के तुझे कम मान रहा हूँ। मान जा तो, तुझे अभी बना दूंगी मन्नो, सारा हीरोपना काट दूंगी तेरा। तुझे मैं एक दिन मन्नू बन के दिखा दूंगा। छोड़। तू भी नू कह देगी अये हाय मेरे धाकड़ छोरे। जा जा, तेरे जैसे बहुत देखे धाकड़ छोरा बनने वाले, मैं तेरी चाल में ना आने वाली। क्यों, मेरे में कुछ कमी है, देख ले मैं कितना सोना सजीला छोरा हूँ। हाँ हाँ तू सुंदर छोरा है, पर धाकड़ छोरा थोड़ी ना है। अच्छा मेरी बातों को मजाक में ले रही है। ले जुली आज मैं तेरे सर की कसम खा के कह रहा हूँ, एक दिन मैं तुझे धाकड़ छोरा बन के दिखाऊंगा। चला जा चला जा, कदी तेरी सिकल बिगाड़ दूँ। जैसे तूने ये मेरे सिर पे से उतारा ना वैसे ही रख दे इसे। अर सिकल जब दिखाइए तू मुझे, जब धाकड़ छोरा बन जाए उससे पहले सिकल मत दिखा दिए। अच्छा ले, और एक दिन मैं तुझे धाकड़ छोरा बन के दिखाऊंगा। चला जा परे को। जा जा, अब मैं तुझे सकल जब ही दिखाऊंगा जब मैं एक दिन धाकड़ छोरा बन जाऊंगा। हाँ हाँ उससे पहले मत आ जाइए। अरे यार ये भी बेकार ही दिखे, इसे रोज कहना पड़े, रोज इसके घर आओ जब यू चले टू। अरे यार सही भी लग रहा है क्या, देखूं हम यार टाइम भी हो रहा। अरे आज कैसे है? हाँ यार मैं सोच रहा था तू रोज की तरह लेट होगा, मगर तू तो आज बिल्कुल फिट फॉर हो रहा। अरे मैं तैयार तो हो गया, पर मैं आज ट्यूशन के लिए तैयार न होया। क्यों भाई? मैं जा रहा शूटिंग पे, हरियाणा में चल रही शूटिंग। अच्छा जी, ना जाने कोई एक आधा रोल मिली जा तुझे। हाँ और तेरा भाई हीरो बनेगा। तू हीरो बनेगा? हाँ। तू भाई ये काम छोड़, तेरी बस की हीरो वीरो बनना कुछ नहीं है, पढ़ाई कर ले, मेरी बात मान ले, कहीं नौकरी कर लियो। हंस मत मेरे भाई, यू तेरा दोस्त एक दिन हीरो जरूर बनेगा, और जिस फिल्म में मैं हीरो बनूंगा ना उस फिल्म में तेरा गाना होगा, क्योंकि मैं तेरे बिना हीरो नहीं बन सकता, और मेरे बिना तू सिंगर नहीं बन सकता। भाई जो तेरी बातें हैं ना ये मेरा दिल जीत लेती हैं, हम फिल्म बनाएंगे और जरूर बनाएंगे। पर वो कैसे? आ मैं बताता हूँ। अच्छा भाई अब बता क्या प्लानिंग है। प्लानिंग यू है, मेरे एक जानने वाला डायरेक्टर है जो तेरा सस्ता और अच्छा काम करा दूंगा। अरे जानने वाले तो मेरे भी 50 हैं। अरे ऐसा नहीं होगा। अच्छा हाँ पर ये तो बता
पैसों का जुगाड़ कहाँ से होगा? मेरे होते हो टेंशन किस बात की, मैं बताऊंगा तुझे स्कीम। वो कैसे? तू अपने पिताजी से जाकर यू बात कह कि पिताजी मुझे 10,000 रुपए दे दो, मैंने 10वीं पास करने के लिए किसी से बात कर रखी है। रे यू बात तो ठीक है, मैं यू झूठ बोल तो दूंगा, पर नू बता दे पिताजी मान जाएंगे क्या? पढ़ाई में मैं नहीं करने के पिताजी। पर मैं नू कह रहा जो पकड़े गए ना जूता तकड़ा बजेगा। या तो जूतों को देख ले या अपने सपनों को देख ले, तेरा सपना भी पूरा हो जाएगा हीरो बनने का। जिनने तुझे चैलेंज दिया ना उसका चैलेंज भी टूट जाएगा। चल ठीक है, तू डायरेक्टर से बात कर, मैं लगूं पिताजी की सेवा में। कोई नहीं, तू पैसे का जुगाड़ कर, मैं बात करता हूँ। चल ठीक है। पिताजी राम राम। राम राम, अरे आ गया तू, ट्यूशन पढ़िया आया? हाँ पिताजी ट्यूशन तो मैं पढ़िया आया, लाओ मैं बनाऊ चाय। ले भाई तू बना ले। भाई आज तो चाय ऐसी पियूंगा मैं पिताजी को जो 10,000 रुपए मेरे हाथ पे रख दें। देखी चाहिए भाई कैसी चाय बना के लाओगा। अरे कहीं चाय ना कभी बीरबल की खिचड़ी हो जा, कभी हम यहाँ बैठे रहे चाय की बाट में। लो पिताजी चाय। अरे तेरी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? पिताजी पढ़ाई तो ठीक चल रही, पर तुम तो जान ही हो आजकल जमाना रिश्वत का है। अच्छा मैंने कह रहा था पिताजी मन्ने अपने पास होने की बात कर रखी है, 10,000 रुपए लगेंगे पक्की गारंटी है। अरे बात तो तेरी ठीक है, पर ये पैसा कहाँ से लाऊं? पिताजी अगर मैं पास न हुआ ना तो पैसे वापसी मिल जाएंगे। पिताजी बस तुम दे दो, गारंटी पूरी है। राम राम। राम राम भाई आ जाते संत बैठो। जा रहे कुर्सी उठा कर लिए। अरे नहीं बैठे थे मैं, कोई बात नहीं। आज कैसे आना भैया? चौधरी साहब जो आपसे जवाब ली थी ये उसके पैसे। अरे अरे कोई बात नहीं, ये तो आ जाते। अब आप ये बताएं कि मैं चाय मंगाऊं या लस्सी मंगाऊं? नहीं नहीं चौधरी साहब इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे बीज उठाने जाना है, बहुत जरूरी काम से जाना है। ठीक है तो चलता हूँ। नमस्कार। राम राम। मका पिताजी अब तो पैसे आ गए, इन्हें जेब में कहाँ रख रहे हैं, मुझे ही दे दो। अच्छा बेटा जब तुम नहीं मानते तो ले जाओ। लाओ जी। लेकिन पास होकर दिखाना है। हाँ पिताजी तुम टेंशन न लो, ऐसा पास होऊंगा तुम्हारा नाम रोशन करूंगा। ठीक है ले जाओ। ले भाई पैसे तो आ गए, अब मिलता हूँ राजू से। पढ़ते पढ़ाते तो ये है नहीं, बस पैसे के लिए लगे रहते हैं। पैसा दो हम पास हो जाएंगे। भला कोई पैसे दे के आज लो पास हुआ है? भाई हमारे जमाने में तो आज लो कोई पैसे दे के पास हुआ ना हो। डायरेक्टर साहब है क्या? हाँ जी है, आओ बैठो। अच्छा जी जल्दी भेज देना उनको। ठीक है सर मैं अभी भेजता हूँ। ठीक है। अरे वो यहाँ रहे? अरे यहाँ ना रहते, वे तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, यहाँ तो लोकेशन देखने आए। काम हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा पैसे एकदम निकाल कर दे दो जब मैं कहूँ। देख भाई ये कौन है। अच्छा सर आ गया आप। और भाई राजू कैसे आना हुआ? ये बंदा है सर वो। अच्छा सर ऑफिस गए थे आप, हमें वहाँ मिले नहीं, वहाँ किसी ने बताया आप यहाँ पर हो। अच्छा मुझे एक स्क्रिप्ट काम करना था इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं गया। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है सर, स्क्रिप्ट भी जरूरी है जी। देखो ये वही बंदा है सर जो शूटिंग के लिए कह रहा था। अच्छा तो आप काम करना चाहते हो? जी सर। बिल्कुल आप मेहनत से काम करोगे ना तो अच्छा कर पाओगे, ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। ठीक है सर। ओके। अच्छा वैसे सर मेरी भी तमन्ना है मैं एक अच्छा एक्टर बनूं, और मेहनत की तुम टेंशन ना लो, पूरी मेहनत करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर करा दो काम। हाँ बिल्कुल कराते हैं, वो कराओ। अरे सर बिल्कुल तनु काट देते पैसे। हाँ हाँ लो जी। लो सर। अच्छा रोल पक्का है ना? हाँ। अब आप टाइम बता दो कब आना है। तो हाँ परसों आ जाना, पदड़ा गांव में शूटिंग है, करते हैं फिर। अच्छा वो जो बागवत में पदड़ा है जो? हाँ हाँ हाँ। अरे हमारे गांव बसोत के पास में है जो। अच्छा वही है। ठीक ठीक है सर। ओके। अच्छा राम राम जी। ठीक है नमस्ते सर। हाँ बन गया काम। तनु मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तनु। रानी
मैं भी तो तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी नहीं रह सकता तेरे बिना। कट इट। क्या यार, आपने इनको सीन नहीं समझाया क्या? सर मैंने सीन समझा था इनको। जाओ दोबारा समझा के आओ। जी सर। देखो सर ये लाइन, सर यही लाइन है ना? हाँ हाँ यही है। क्या यार, तुमसे सीन नहीं समझा जा रहा क्या? सॉरी सर। रानी मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं क्या कर सकता हूँ। देख लो तुम्हारा डायलॉग, जल्दी याद करो। सर से सुनवा रखी है आपने मुझे, जल्दी करो, टाइम मत लगाओ इतना। अच्छा ठीक है, ये तो मुझे याद है। चलो टचअप करो। अरे यार आपने प्रॉपर बना रखा ना फ्रेम? जी सर। रोल एक्शन। तनु मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तनु। रानी प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, पर किसी कारण मैं कह नहीं पाया। ओके गुड शॉट। सर मास्टर बनाना या मिड बनाना? नहीं नहीं मिड बनाओ। अरे मेकअप, लड़की के पसीने आ रहे हैं, ठीक करो उसे। तनु मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। सर कैमरा रोल है, एक्शन। रानी मैं चिकनी चुपड़ी बात न कर रहा हूँ, मैं तुझे दिल से ही प्यार करता हूँ। तू मुझे दिल से प्यार करे ना, ले तो फिर हाथ थाम और कर वादा। ले रानी मैं तुझे वादा करता हूँ, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। आई लव यू रानी। गुड शॉट। ओके आज की शूटिंग कंप्लीट, बाकी कल करते हैं। जी सर। पैक अप। हे भगवान ये क्या गया? आ, चोट लगी मेरे पैर में। अरे ये कौन साइकिल से गिर गया? अरे ये तो जुली है। जुली जुली तेरे तो खून निकल रहा। तन्नू मुझे बाद में देखिए, पहले साइकिल देख। अरे साइकिल को छोड़ जुली, तू ये बता ये कैसे होया? चल तुझे डॉक्टर के ले चलूं। तन्नू अगर तू नहीं आता तो मेरा क्या होता? जुली ये बातें बाद में करेंगे, पहले डॉक्टर के चलते हैं, चल खड़ी हो। तनु मेरे से नहीं चला जा रहा। कोई बात नहीं जुली, हिम्मत से काम ले, तू बैठ तो सही। तनु मुझे चक्कर सा आ रहा है। जुली हिम्मत से काम ले, गोली भर ले मेरी। चलूं? कंधे पे सिर रख ले जुली, चक्कर आ रहे तो। तनु आराम से चलाना। डॉक्टर साहब देखो इसको चोट लगी है। क्या हो गया? चप्पल उतारो। आराम से। घाव तो बहुत गहरा है। ये साइकिल से गिर गई डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं। आराम से डॉक्टर साहब, आराम से, जख्म गहरा है। कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं पट्टी कर देता हूँ, घाव भर जाएगा और मैं मालिश की शीशी भी दे देता हूँ। डॉक्टर साहब गुमचोट भी है इसको? हाँ उसके लिए मैं कुछ टैबलेट लिख देता हूँ, उनको ले लेना टाइम। ठीक है। इनका ध्यान रखना और इनको बेड रेस्ट देना है 3-4 दिन का। मम्मी डॉक्टर साहब साइकिल का बहुत शौक है इसे, तो अभी साइकिल के लिए इन्हें मत जान देना। घाव गहरा है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा और टाइम से टैबलेट लेनी पड़ेगी और इसके एक टेटनस का इंजेक्शन भी लगेगा। मैं नहीं। इंजेक्शन। बच्चों की तरह कोई बात नहीं, इंजेक्शन आराम से लगेगा,
इंजेक्शन तो लगवाना पड़ेगा, उसके बिना इन्फेक्शन फैल जाएगा। तू ऐसे कर, मेरे कंधे पे सिर रख लियो, अगर जरा सा भी दर्द हो तो बता। ना, इंजेक्शन ना लगवाऊं मैं। 3 दिन बाद दोबारा पट्टी करवानी है इसकी, ठीक है? आपको इनका ध्यान रखना है और टाइम से दवाई लेनी है, और मैं अभी टैबलेट लेकर आता हूँ, फिर उसके बाद आप चले जाना। ठीक है डॉक्टर साहब। तन्नू, तूने जो मेरे लिए किया तेरा बहुत बड़ा एहसान है। मैं तो तुझे गुंडा मवाली समझती थी, लेकिन तू तो बहुत अच्छा निकला। जुली, ये तो हर एक इंसान का फर्ज होता है, पर वैसे भी मैं तो तुझे प्यार करता हूँ, ये तो मुझे करना ही था। तन्नू, हाँ? तुमने मेरा दिल जीत लिया है और मेरे दिल ने तुम्हें अपना लिया है। तो जुली, तू मेरी मत मान, अपने दिल की तो मान। तुमसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। मुझे तुमसे दिल से प्यार हो गया है। ओए होए, बल्ले बल्ले, आज तो ऊपर वाले ने मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। आज तो मेरा दिल ये कह रहा है कि तेरे बिन नहीं रह सकती मैं। तनु, तुम मुझे छोड़ के चले तो नहीं जाओगे ना? तनु, अगर तू नहीं मिलाना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तनु, मरने की बात मत कर जुली, साथ जिएंगे, साथ रहेंगे। ये लो टैबलेट, इनको टाइम से लेनी है और इनका ध्यान रखना है, हिलने जुलने नहीं देना। ठीक है डॉक्टर साहब। पैसे कितने हुए डॉक्टर साहब? 200 रुपए। लो पकड़ना इन्हें और इनको संभाल कर लेकर जाना, हिलने डुलने नहीं देना। लो डॉक्टर साहब। ठीक है, ला जुली मुझे दे। आ जा, चल खड़ी हो। अरे टेक ले पाऊं कोई से? ले, मेरे कंधे पे हाथ रख ले। जूली, तू 2 दिन से क्लास में क्यों नहीं आई? सर, मेरे पैर में लग गई थी साइकिल से, इसलिए नहीं आई थी 2 दिन। अब ठीक है? जी। उनके बारे में भी कुछ पता है? तन्नू और राजू के 3-4 दिन तक क्लास में ना आए, मजा ऐसा लगा उन्हें पढ़ना वढ़ना ही ना आए। एग्जाम्स में कैसे बैठेंगे वो? हाँ सर जी, मैंने देखे हुए परसों, वे शूटिंग कर रहे थे जी। अरे तू उनका पीए है के? चुप ना बैठा रहा जाता तेरे पे। बीच में टांग अड़ा जाएगा। तेरे से पूछा मन्ने? जूली से पूछ रहा हूँ। और वो भी बड़े बेवकूफ हैं जो क्लास में नहीं आते, मजा ऐसा लगे वे ना पढ़े लिखे, पता नहीं क्या करेंगे। क्या करेंगे? वे तो लौंडियाबाजी करते फिर रहे। हाँ, तुझे पता है कर रहा उसकी बुराई। बुराई ना करूँ, ताज बांधू सिर्फ उसके। अरे चुप बैठ जा। हाँ, तू तो उसका फेवर लेगी। तू तो क्या, मैं तो तेरी जवान खींच लूंगी, उसके बारे में कुछ भी बोला तो। अरे रिंकू चुप बैठ जा, यू मुकदमा मेरे ही लड़ोगे के? चलो जाओ यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है सर जी। गुरु जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर जी। नमस्ते, चले तू बैठ जा। ज्यादा फालतू बोल रहा, सारे घर के गांव के मुकदमे यहाँ क्लास में लड़े आके। और तू मुझे एक बात तो बता, तजो उस तन्नू तक के लगाव है जो उसका इतना फेवर ले रही, सारे गांव में भिड़ती फिरे। देख, तू एक लड़की है, तुझे इसलिए समझा रहा हूँ, घर जा। नमस्ते सर। नमस्ते, चल जा। और रस्ते में किसी तरह राड मोल ना लिए। भाई मेरे तो स्टूडेंट मेरे सिर में दर्द करके रखे है, केक रूम है। राम राम चौधरी साहब, मैं तो आपके पास ही जा रहा था, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। अच्छा मास्टर, मैं आपके पास जा रहा था। धर्म सिंह जी, मैं तो आपके पास इसलिए आ रहा था कि तन्नु 4-5 दिन से ट्यूशन नहीं आ रहा है। 4-5 दिन से? और वो तो रोज घर से तैयार होकर ट्यूशन के नाम का जाता है। चौधरी साहब, एक लड़का रिंकू बता रहा था कि वो तो फिल्मों का शौकीन है, 3 दिन पहले कहीं शूटिंग कर रहा था। मास्टर जी, मैंने उसे बहुत ही समझा दिया, पहले तो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, तेरा ब्याह शादी कुछ हो जाएगा, फिर तो कुछ ही करिए। पर मानता ही ना। चौधरी साहब, मैं तो आपकी शर्म लिहाज की वजह से बता नहीं रहा था, लेकिन अब तो हद ही हो गई। वो रिंकू बता रहा था कि आपसे 10,000 रुपए लेके किसी डायरेक्टर को दिया, बताओ
हमारी इज्जत का कुछ ख्याल है ही नहीं है। 10,000 रुपए? हाँ 10,000 रुपए तो उम्मीद से ले आया था। चौधरी साहब अब भी वक्त है, संभाल लो बात को वरना तुम्हें एक दिन बहुत भारी पड़ेगी। अच्छा मास्टर जी आज बना दूंगा मैं उसे हीरो, मेरी कमाई का लुटाया जा रहा है। उसे ना घर तक काट दूं तो मेरा भी। ठीक है चौधरी साहब, चौधरी साहब को पता ही ना घर में क्या चल रहा, चौधरी आज बना देगा सुपर स्टार उसे। अरे ये खड़े पिताजी, पिताजी को अपनी फिल्म दिखाऊंगा। अरे भगवान पीले। पिताजी राम राम। राम राम, आजा राम जादे आजा। पिताजी देखो मेरी फिल्म आई। कहाँ का हीरो बना फिर है तू? अजी सुनते रहे ना पिताजी, सुनो तो सही। हाँ के सुनू तेरी, सुना के सुना भाई। पिताजी मेरा सपना है मैं धाकड़ छोरे जैसे बनूं। अरे धाकड़ छोरा भी मेरे दौड़ती गया ऐसे ही, पर वो आगे पहुँच गया, हम यके ही रह गए। पिताजी मेरा एक तो सपना है, मैं थारा आगे हाथ जोड़ू, इसे तो पूरा हो जान दो। अरे कल तेरा पेपर है, पहले नहीं बताओ 10,000 रुपए किसे दिए तुमने? पैसे तो पिताजी जहाँ देने थे वहाँ दे दिए, पास होने की गारंटी है। अरे आराम खोर, अब भी झूठ बोल रहा, वे 10,000 रुपए तुमने फिल्म वालों को ना दिए? झूठ पिताजी मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे मुझे मास्टर जी ने सारी बात बता दी जो तुमने रिंकू से बताई थी। अरे पिताजी सुनो तो सही, मेरे तो सुन रहे इस घर में आके ना बैठ जाइए और अपनी शिकल ना दिखा दिए यहाँ। हाँ ठीक है ना आने का हूँ। अरे एक पैदा हुआ था वो ही सुसा कपूत लिकट गया। हे भोलेनाथ, आज तो पिताजी ने भी घर से काट दिया, अब कहाँ जाऊंगा मैं? अब तो भोलेनाथ तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। हेलो नमस्कार सर। जी सर, जी सर, कहाँ पे सर? नोएडा जी, नोएडा फिल्म सिटी। ठीक है सर। नहीं सर नहीं, आ जाऊंगा मैं। 10,000 सर? ना सर ना, मैं पहुंच जाऊंगा टाइम से सर। जी सर, जी सर, ओके सर, ओके, ठीक है सर। है भोलेनाथ, सुनी भी तो इतनी जल्दी। भोलेनाथ कल जाने से पहले प्रसाद चढ़ा के जाऊंगा, अब मेरा सपना पूरा होगा, अब मेरे सारे अरमान पूरे होंगे। यहाँ क्या कर रहा भाई? मैं पूरे गांव में ढूंढ आया तुझे। अरे आजा राजू यार बैठ। एक ने बताया कि वहाँ बैठा मंदिर पे, देखे भाई क्या कर रहा हूँ। अरे बैठ तो सही, बैठ के भाई ले बता। अरे यहाँ क्या करता? हाँ। आज पिताजी ने घर से भी काट दिया। किस बात पे? बात क्या होती, 10,000 रुपए का बांडा फूट गया। वो कैसा भाई? कैसे के, किसी ने मास्टर जी को बता दी और मास्टर जी ने पिताजी से बता दी। यू तो बहुत जुलम हुआ भाई, अब कैसा हुआ भाई? कैसा हो भैया, अब तो कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। रिंकू को तो यार मैंने बताई थी यार, यानी मैं रिंकू को तेने बताई? हाँ। तो पहले उसे रिंकू को ही देख लें। अरे उसे तो बाद में देख लेंगे, तू एक खुशखबरी सुन पहले। खुशखबरी? हाँ। खुशखबरी तो मेरे धोरे भी भाई। चल पहले तू ही बता। ना पहले तू बता। नहीं तू ही बता ले। अरे चल तू तो बता भैया। चल हम बता देंगे भाई, बात ऐसी है, जो भी 10,000 रुपए देते। हाँ। मुझसे तेरी कॉल आ गई। अच्छा तेरी शूटिंग चालू है, तुझे वहां जाना पड़ेगा। अरे वही खुशखबरी मेरे पे। अच्छा जी। हाँ, अभी तो आया फोन भैया। ये तो बढ़िया बात होगी भाई। पर यार मसला तो यू हो गया। क्या? अब मैं घर कैसे जाऊं? कौन सा घर? तेरा घर मेरा घर दो है क्या? यू भी ठीक कह रहा। मेरे घर चल, और जब तू बन जाएगा पिताजी तेरा खुश स्वागत करेंगे। अच्छा। अरे अभी तो नाराज है। तो मेरी बात सुन। हाँ बता। सुबह को वहाँ जाना। ठीक है। नोएडा फिल्म सिटी। बहुत बढ़िया। उससे पहले मैं कोई जुगाड़ लगा के घर जाऊंगा जब पिताजी खेत में होंगे। बैग लाऊंगा, कपड़े बदल करूंगा। तो जरूरी लाने पड़ेंगे। पर भाई रात का जुगाड़ कर। मेरे घर चल। कैसी बात कर रहा है यार तू? चल ठीक है तेरे घर चलते हैं। अरे तेरा काम नहीं रुकना चाहिए। अरे रुक जा भाई, जूते तो ले लूं अपने। अब भी जूते की पड़ रही इतनी खुशी में। अरे अब तो नहीं खरीद लियो चल।
रब का छप्पर उठा दियो तो दिन आ जा। अरे हाँ भाई, अब तो तेरा भाई हीरो ही बन के आएगा। अरे यार, मैं तैयार भी होया यार, इसका पता नहीं राजू का अबलू नहीं आया। कौन है? अच्छा, जूली है। तुझे कैसे पता कि मैं जूली हूँ? जूली, जब दो दिन मिलते हैं ऐसा ही होता है। सच्ची? पर नू तो बता, तैयार होके जा कहाँ रहा? जूली, मेरी नोएडा फिल्म सिटी में शूटिंग है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। यहाँ क्या कर रहा है फिर तू? अरे वो है ना राजू, उसके इंतजार में बैठा। अच्छा, देखी मैंने वो तेरी फिल्म, कैसा चुपक रहा तू उससे। अच्छा, तुझे अच्छी लगी? हाँ लगी, अच्छी। बस तुझे अच्छी लगी, फिर तो नुमान सब अच्छी लगी। एक बात बता, गर्लफ्रेंड टू का मतलब एक तो फिल्म वाली और एक मैं, यानी कि एक म्यान में दो तलवार। अरे ऐसा नहीं है, वो तो फिल्म में रोल कर रही है। जूली, मेरी तो बस तू ही है इकलौती। मैं तो मजाक कर रही थी। और तू ये बता, कब आएगा वहाँ से? मुझे वहाँ जाके भूल तो नहीं जाएगा? जूली, ऐसा ना होगा, पर तुझे सच्ची बताऊँ, मुझे पिताजी ने घर से निकाल दिया। अब तो मैं लौट के जब ही आऊँगा, जब कुछ बन जाऊंगा। अच्छा चल ठीक है। देख जूली, राजू भी आ गया। आ, चल जल्दी। अच्छा जूली, मैं चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना। जल्दी बैठ। बाय जूली। अरे ये तो राजू है। अरे राजू, अरे राजू। हाँ हाँ, रोक रहा हूँ। राजू? हाँ। तू यहाँ कैसे है? क्यों, मेरा गांव ना आयु? ना, गांव तो तेरा, तू और तन्नू तो फिल्म बना गए थे वहाँ। हाँ। क्या हुआ उसका? गए थे, जो काम था वो करिया। और कहाँ है तू? शूटिंग कर रहा, उसका सिलेक्शन हो गया भाई का। और तू यहाँ कैसे? मेरा एक गाना था, मैं उसे गा के आ गया। काम तो सही चल रहा? मस्त, झकास। अरे ठीक है, हम तन्नू कहे भगवान तुम्हें तरक्की देवे। अब कहाँ जा रहा है तू? अब अगले गाने तैयार करूँ। ठीक है, जिसे लगा रहे अपने काम में। अरे तू यहीं बैठे रहे, टाइम पास करते रहे। बैठे, हम तो काट रहे टाइम गांव में। अरे क्या देख रहा भाई? अरे हमें भी दिखा दे, क्या मिल गया ऐसा फोन में। अरे क्या देख रहा भाई, क्या देख रहा? अरे वो अपने गांव वाला तन्नू। हाँ हाँ, उसकी एक और फिल्म आई है। अच्छा, तो हिट होगी, मिलियन में पहुंच गई। अच्छा हाँ, वो अपने गांव वाला तन्नू। हाँ हाँ। अच्छा, ला मुझे भी दिखा दे भाई। ला तू भी देख। अरे हाँ भाई, ये तो बढ़िया बना रखी है भाई फिल्म भाई। और हाँ भाई, मेहनत कर रखी। और अपना भाई राजू भी लग रहा है गैल में। हाँ भाई, ये दोनों तो मेहनत कर रहे हैं भाई, लग रहा मुझे। फिर तो इनके फॉलोवर हो रहे होंगे मिलियनों में। मिलियनों में हो रहे भैया, तो हमें भी देखनी पड़ेगी फिल्म इनके दोनों की भाई। भैया दोनों लम्बे तो बढ़िया कर रहे हैं भाई। बालकों को नहीं तो दिखा रहा मैं। अच्छा, ये सारे बालक नहीं बिठा रखे तन्ने? अपने गांव की पहचान करवा रहा। अच्छा, इन्हें लाइक शेयर भी कर दे करो, जब ही तो बढ़ेगा इनके ज्यादा फॉलोवर। करू भैया मैं तो, और सभी करवा कर भैया, और करवा तो बढ़ेंगे, जब ही तो बढ़ेंगे फॉलोवर इनके मिलियनों में भैया। हमारा गाँव फेमस होगा, दोनों एक्टिंग बढ़िया कर रहे हैं भैया। तो अब और करवा करो। हाँ, एक्टिंग बढ़िया कर रहे, मेहनत कर रहे, अपने ही भाई है यार। हाँ, कामयाब होने चाहिए। और राम राम चौधरी साहब। राम राम मास्टर जी, आओ बैठो। अच्छा चौधरी साहब, और सुनो, ठीक ठाक तो हो? हाँ चौधरी साहब, बहुत बढ़िया। चौधरी साहब, जिसे हम बेवकूफ, नालायक, नाकारा गधा समझते थे, उसने हमारे गांव का ही नहीं, हमारे इलाके का भी नाम रोशन किया है। ऐसा क्या कर दिया मास्टर जी, हमें तो पता ना। ऐसा क्या कर दिया उसने? अरे चौधरी साहब, उसने आपका ही नहीं, मेरा ही नहीं, इस गांव का ही नहीं, पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। अच्छा जी, इसमें उसकी न्यूज छपी है, क्या आपने पढ़ा नहीं? मास्टर जी मैंने नहीं पढ़ा, चलो तुम ही पढ़कर सुना दो। ये देखो, तन्नू को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड।
गांव बसोद का रहने वाला चौधरी धर्म सिंह का बेटा तन्नु, जिसने फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। अच्छा? सभी फिल्में एक हफ्ते में मिलियन पार कर गई, इसीलिए नोएडा फिल्म सिटी प्रभारी ने तन्नु को बेस्ट एक्टर अवार्ड में 1,00,000 रुपए का पुरस्कार दिया। अरे हाँ। चौधरी साहब, अब आप मिठाई मंगा लो। पर मास्टर जी, थारे चलने ना पढ़ाई लिखाई तो ना करी कुछ, मन्ना तो वो गुस्से में आके घर तक काट दिया था। चौधरी साहब, तन्नु चेला तो मेरा ही है ना, अब तुम देखना उसके पास घोड़ा, गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा सब कुछ होगा। चौधरी साहब, आपके तो नसीब जाग गए। इसमें मास्टर जी मेरा ही नहीं, नाम तो थारा भी हुआ है, चूंकि चेला तो थारा ही है। चौधरी साहब, क्या तुम्हें खुशी नहीं है तुम्हारे बेटे को फिल्म इंडस्ट्री ने इतना बड़ा पुरस्कार दिया है? और मास्टर जी, खुशी क्यों ना होगी, इसे सुनकर तो आज मेरा भी जी राज्य हो गया, अगर मेरे बेटे को इनाम मिला। बस चौधरी साहब, अब तो आपको एक काम करना है, जिस दिन हमारा शिष्य इस गांव में आए, ढोल ढपड़े और खूब मिठाई बटनी चाहिए, कोई भी मीठा मुंह किए बगैर ना रह जाए। ठीक है मास्टर जी, तुम्हें जरूर बुलाएंगे। ठीक है चौधरी साहब, मैं चलता हूँ, बच्चे ट्यूशन के लिए आ गए होंगे। ठीक है मास्टर जी। अच्छा, राम राम। आज उसने मेरा नाम जग में रोशन कर दिया है, ये भी कैसी लीला है। हे मेरे भगवान, ये शाम सितानी मदहोश किए जा। राजू तू, तनु कहाँ है? तनु तो बेवफा हो गया, तुझे भूल गया, मुझे भूल गया। मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। नहीं जूली, मैं मजाक कर रहा था, उसकी शूटिंग चली हुई है, वो 1-2 दिन में शूटिंग पूरी करके घर आ जाएगा। अच्छा, तो ये बता कब आया था? मैं भी 1-2 दिन पहले आया हूँ। अच्छा, मेरा गाना कंप्लीट हो गया था तो मैं उसको पूरा करके घर आ गया। अच्छा ये बता, वो मुझे याद तो करता है ना, कहीं नई नई लड़कियों के चक्कर में मुझे तो नहीं भूल गया ना? नहीं जूली, मेरा यार तीर से ज्यादा प्यार करे है, और शादी भी तीर से करेगा वो। बहुत तारीफ कर रहे हो अपने यार की। यह बात सच है, इसे तारीफ नहीं कहते। अच्छा राजू, मैं चलती हूँ, मेरे पिताजी भी आने वाले हैं। हाँ मैं भी चलता हूँ। जूली अपना ख्याल रखियो, मैं तन्नु से कह दूंगा, जूली भी तुझे बहुत याद करती है। मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। अरे यहाँ पे क्यों रोकती? तुझे पता नहीं मंदिर आ गया, इन भोलेनाथ ने मेरी कितनी सुनी है, इनके दर्शन करके जरूर चलूंगा। अच्छा ये बात है। हाँ आओ चलो। जय भोलेनाथ की। आजा राजू, तू भी माथा टेक ले। जय भोलेनाथ की। राजू यहीं पे बैठा था मैं उदास। हाँ हाँ। और तभी मेरे पे फोन आया था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। हे भगवान, मेरे तन्नू को जल्दी कामयाब कर दो और जल्दी से वापस भेज दो। अरे जूली। तनु, तो जूली तू उस दिन से यहीं खड़ी? जूली तू चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं कुछ, मुझसे नाराज है क्या? नहीं, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मैं तेरे लिए यहाँ रोज प्रार्थना करने आती थी, अब तो तू बड़ा स्टार बन गया ना, तो मुझे कहाँ याद रखेगा। नहीं जूली, ऐसी बात नहीं है, मैं तुझे नहीं भूल सकता। मैं चलती हूँ। जूली सुन तो सही, मेरी बात क्यों नहीं सुनती तू? यार राजू, तुमने मुझे लगा नाराज हो रही है। मेरा ये ऐलान है, तू ही मेरी शान।
हम यहाँ बैठे हाँ। तनु मंदिर पे आ गया, वो तो हीरो बन गया। अच्छा कोई बात नहीं, आएगा तो वो घर पे ही। ठीक है ताऊ, मेरा काम बताने का था, बता दी। जुली मैं तुम्हें वहाँ बहुत याद करता था। अच्छा पहले तुम अपने घर चलो। नहीं जुली, पिताजी मुझसे नाराज हैं। अरे नहीं, मान जाएंगे वो। आ गया मेरा बेटा आ गया। पिताजी राम राम। राम राम बेटे, राम राम। आजा बेटे आजा, तू कहाँ चला गया था, बहुत दिनों में आया। जीते रहो जीते रहो। नमस्ते अंकल। जीती रहे बेटी जीती। अरे चौधरी साहब मैं भी हूँ। अरे लो गुरुजी भी आ गए। आ जाओ मास्टर जी आ जाओ। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, जीता रहो बेटा। हम भी सही टाइम पे। गुरुजी राम राम, जीता रहो। नमस्ते सर। ठीक है हाँ हाँ मास्टर जी आ जाओ। लो पिताजी। लाओ बेटा, लो मास्टर जी, ये आपके चेले का इनाम है। लो धर्म सिंह जी, ये पैसे तो आप रखो, हम तो मिठाई खाएंगे मिठाई। कोई बात नहीं खाओ। ये लो पहले आप खाओ। लो बेटा तुम भी खाओ। लो बेटा ले, जुली तू भी खा। लो गुरुजी आप तो खाओ। क्यों नहीं खाएंगे बेटा, जरूर खाएंगे। बहुत खुशी की बात है बेटा, तूने हमारे गांव का ही नहीं हमारे पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। मास्टर जी सब इसकी मेहनत का फल है, ये केवल मैंने तो इसको रास्ता दिखाया है। देखो बेटा, जिसको जिस काम की लगन होती है वो उस काम में एक दिन कामयाब जरूर होता है, जैसे कि तुम हुए। मास्टर जी बैठो तुम, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। चाय तो हम जरूर पियेंगे, लेकिन आज नहीं, जब तन्नू की शादी हो जाएगी उसकी बहू के हाथ की। अजीज का कौन ब्याह कर रहा है? चौधरी साहब तुम देखना, तन्नू की शादी तो ऐसी होगी कि दुनिया देखेगी, मैंने तन्नू की शादी की बात कर रखी है। चलो मास्टर जी, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा चौधरी साहब अब मैं चलता हूँ, राम राम। अच्छा बच्चों खुश रहना। अच्छा नमस्ते। खुश रहो। राम राम जी। चलो मैं छोड़ के आता हूँ मास्टर जी। नहीं नहीं चौधरी साहब आप आराम करो, मैं चला जाऊंगा। तुम देख लियो जैसा करो रिश्ते के बारे में। अरे है क्या चंद्रपाल भाई? अरे आजा आजा हरपाल, आज कैसे रास्ता भूल गया भाई? अजी रास्ता क्या भूल गए, तुम हमें भूल गए। अरे नहीं नहीं नहीं, आजा वहाँ बैठेंगे। और बता भाई हरपाल कैसा आना हो या? आना कैसे था भाई साहब, चंद्रपाल हमारी बेटी तुम्हारे गांव में पढ़ती है जूली, उसे लेने के लिए आया हूँ। अच्छा वो लड़की जूली, वो मेरे पास ही तो पढ़ती है, इंटर पास हो गई उसकी? तुम्हें तो पता हम दोनों एक साथ पढ़े हैं, इम्तिहान करना कितना कठिन हो गया है। अरे हरपाल वो लड़की तो बड़ी होनार लड़की है। तो चंद्रपाल भाई साहब मुझे भी उसी की तरह एक होनार लड़के की तलाश है। जूली के लिए अच्छा लड़का हम बता देंगे, होनार भी और पैसे कमाने वाला भी। चलो ये तो अच्छी बात है, हमें धक्के ना खाने पड़े, दोनों बहन एक ही जगह हो जाएगी। चल तो बा हरपाल, मैं तुझे लड़का दिखा दूँ। हाँ जी चलो। अरे भाई काम करना पड़ेगा, ये कुर्ता गंदा हो रहा, वंगू घर की तरफ को लिखेंगे, इसे बदल लूंगा। बदल लेना। चल भाई। चलो। लावो शिवम, बोल दे मुझे। तन्नू मुझे भी क्रिकेट खेलना है। अरे हमें भी खिलाओ भाई। ओ हम भी खेलेंगे भाई, रुक जाओ भाई, हम भी खेल लेंगे। रुक जाओ हमारी भाई चल रही है। ओए चुनमुन हमें भी खिला लो। चुनमुन खिला ले यार हमें भी। अरे भाई खिला ले भाई खिला, जैसा मैं कहूँ फिर ऐसे खेलना पड़ेगा। हाँ ठीक है ऐसे खेल लेंगे। ऐसा है भाई हाँ। जूली और तू अच्छा। दोनों अलग अलग टीम में खेल लेंगे। ना भाई ना, जूली मेरी टीम में खेलेगी भाई। अरे नहीं तुम दोनों फिर चीटिंग करो यार। अरे नहीं अब मैं बताऊँ,
ये मेरी टीम में खेलेगी और तुम दोनों दूसरी टीम में। अरे नहीं, ऐसा कर लो, तू मेरी टीम में आ जा और ये दोनों एक साथ खेल लेंगे। अरे छोटा सा भी मेरी टीम में आ जा भाई। चलो भाई बटकी टीम आओ। छोटे छोटे किसकी टीम में रहेंगे? कहाँ जाएंगे? अरे नहीं तू रख ले अपनी टीम में। चलो भाई आओ। चलो ठीक है ठीक है जूली, अब देखते हैं हमारी टीम जीतेगी। बिल्कुल ये है जूली। अरे हमारी टीम जीतेगी, हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। फर्स्ट पहली बॉल पे छक्का मारेंगे और हम बैटिंग करेंगे। ठीक है कर बैटिंग। ठीक है तुम बॉल करो। ठीक है चल भाई तू यहाँ खड़ा हो जा भाई। आप देखे बॉलिंग की धार ला भाई, तुम बोल दे। ले जूली कर पहला ओवर। ओ नहीं चीटिंग चीटिंग। अब क्या हुआ भाई? देख भाई आंख नहीं मारेगी मेरी तरफ पे। आंख मारी। अरे इस पे जो है वो तो मारेगा ही। नहीं जूली खेल खेल है। हाँ चल ठीक है। चल जूली कर दे आउट। देख तनु ध्यान से देख, ये ले। ओ तेरी वाह बहुत तेज। अरे तू तो डर रहा। यू तो वाइट बॉल है भाई को। रे थरो मार रही। अच्छा? नू। अरे तू भी तेज बल्ला घुमा दे। कम ऑन जूली कम ऑन। ये रन नहीं लेने दूंगा। ले जूली। आजा आजा जल्दी आजा। भाग भाग चुन चुन चुन। अबे कर दिया मैंने आउट। जूली पहले रन पे आउट कर दिया। आउट कर दिया मैंने जूली। वाह वाह आउट ऐसे ही। अच्छा आउट है। अरे यार हो गया ना आउट हो गया। चलो अब तुम खेलो। लाओ बे बॉल। पहले ओवर में आउट होगा तू। हमारा काम है दिखा अपनी बॉलिंग की धार। ले जूली तू ले स्ट्राइक। कीपर बन जा चुनमुन। ला दिखा पहले मैं खेलूंगी। चल तू स्लिप में चल। ला स्ट्राइक मैं लेता हूँ, तू रन पे चल जूली। अच्छा वहां पे जाऊं? चल ठीक है। आउट है आउट है। आउट नहीं है वाइट है। ला चुनमुन आउट ना आयु। भाग जूली भाग। राजू वापसी वापसी। ला यार तेरे पे मारी ना गई। चुनमुन रन नहीं होन देने पूरे। जूली अब के भागे यो। ठीक है। ला बैट। आजा जूली आजा। उजेब 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 पकड़ो बॉल जल्दी से। शाबाश जूली। ओ ये छक्का सिक्स मार दिया। छक्का आयु छक्का। अरे ये ले ले। ये मैंने जिता दिया। वाह जूली वाह। हरवा दिया तेरे। मैंने हरवा दिया मैच आज तो हरवा दिया तेरे भैया। हमने कहा था ना हम ही जीतेंगे। जूली खेल की बाजी तू जीती, दिल की बाजी मैं जीता। चल हट देख रहे हैं सब। देखने दे जूली, शादी तो मेरे से होगी तेरी। चल देखेंगे वो दिन कब आएगा। अरे मजनू की औलाद हो, खेल के मैदान पर कहीं तो देख ले करो। चलो कहीं लग जाए। अरे भाई किसका फोन आ गया? हेलो। अच्छा अच्छा देखो जब लड़का जवान है तो रिश्ता तो हमें करना ही है, लेकिन तुम ये तो जानते ही हो कि आजकल बच्चों से भी तो पूछना पड़ता है। हाँ 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 आप तो खुद समझदार हो। बिल्कुल 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 ये तो एक बार बच्चों से पूछ के और हम फोन कर देंगे। हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, भला ऐसा हो सकता है। ठीक है ठीक है तो हम बच्चों से बात करके और फोन कर देंगे। राम राम चौधरी साहब। राम राम जी राम राम। आओ बैठो। राम राम जी राम राम जी राम राम। मैं चाय बना के लाता हूँ। नहीं नहीं बस चौधरी साहब चाय की जरूरत नहीं है। हमने तुम्हें उस दिन भी बताया था कि हम चाय उसी दिन पियेंगे जब तन्नू की बहू इस घर में आ जाएगी। मास्टर जी ये तो बात ठीक है, पर ये चौधरी साहब के यहाँ रोज रोज आ रहे, इनके लिए तो चाय बना के लेनी पड़ेगी। नहीं नहीं चौधरी साहब चाय आज नहीं फिर कभी से। हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं। अब बताओ मास्टर जी आज कैसे आना हुआ?
आए कैसे थे चौधरी साहब? हम तो तुम्हारे लड़के तन्नू के रिश्ते के लिए आए थे। अजी मास्टर जी, तुम भी कैसी बात करते हो, भला हम तुम्हारे से कभी बाहर हुए क्या? लेकिन एक बार तन्नू से तो बात करनी पड़ेगी। क्या बतावें, ये आजकल के बच्चे बस अपनी अपनी चलावे हैं। राम राम जी। मास्टर जी आज कैसे? ये अपनी लड़की का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। मास्टर जी मैं ना कर रहा अभी शादी वादी, मुझे तो अभी बॉलीवुड में कुछ फिल्में करनी है। अरे मैं इतना बात तो पक्की करवा लूं। अजी जब मैंने कह दी मैं अभी शादी ना कर रहा, मेरी तो शूटिंग चल रही, मैं तो वहां जा रहा। ठीक है मास्टर जी, लड़के की इच्छा नहीं है तो फिर कभी सही। देखो मास्टर जी, हमें तो कोई एतराज नहीं, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। हरपाल, लड़का तो तेरी समझ में आ ही गया होगा। हाँ जी, लड़का हमें पसंद आगा, पैसे कमाने की भी लगन है और हम तैयार हैं। हरपाल, तू लड़के की बात पर मत जाइयो, उसे तो मैं समझा लूंगा, बस तू ये रिश्ता पक्का कर दे। ठीक है मास्टर जी, हमें तो रिश्ता करना ही है, हमें धक्के खाने की क्या जरूरत है। तो इस रिश्ते को पक्का समझो, बस हम उस लड़के को एक दो दिन में समझा देंगे। क्यों चौधरी साहब? अजी हम के थारे से बाहर है कोई। बस तो ठीक है, हम चलते हैं। तुम अपनी सलाह करके बता देना। अजी मास्टर जी, जैसा थारी मर्जी हो, इस रिश्ते को पक्का कर दियो तुम। ठीक है चौधरी साहब। ले भाई, लोंडा भी कामयाब हो गया और यूं रिश्ते का जुगाड़ भी पक्का ही समझो, और हमारा टुकड़े का जुगाड़ भी हो ही जाएगा। हे भगवान, बस तेरी भी लीला परम पार है। अच्छा यहाँ खड़ी है। जुली बोल, क्या बात थी, कैसे बुलाया? तनु, मेरे पिताजी मुझे लेने आए, मैं जा रही हूँ। पिताजी लेने आए हैं? जा रही है? क्यों, अब पढ़ाई ना करा? नहीं तनु। ऐसा क्या हो गया? मेरे पिताजी ने मेरे लिए रिश्ता देखा है। क्या रिश्ता देखा? हम्म। जुली तुम मुझसे प्यार नहीं करती? रिश्ते वाले तो मेरे घर पे भी आए थे जुली आज सुबह, मैंने उनको साफ मना कर दिया, इसलिए कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं भी घर जाके पिताजी से साफ मना कर दूंगी, मुझे भी मरना मंजूर है पर किसी और से शादी करना नहीं। तो सुन जुली, मैं भी आज कसम खा के कह रहा हूँ, शादी करूंगा तो तुझसे, नहीं तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। जुली तू चिंता ना कर, ये तन्नू की जुबान है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं शादी तुझसे ही करूंगा। तो फिर तुम ही कुछ करो। देखता हूँ आज क्या मजेदार खबर आई है अखबार में। बिचौलिया ने झूठ बोलकर कराई लड़की की शादी, लड़की वालों ने बिचौलिया के पेट में चाकू घोंपा। हैं, बड़ी मनुष खबर है, मैं किसी का रिश्ता नहीं कराऊंगा। राम राम मास्टर जी। राम राम मास्टर जी। राम राम भाई, राम राम, आ जाओ और सुनाओ कैसे हो। बढ़िया जी, आप सुनाओ। बढ़िया मास्टर जी। अरे कह बिराजू, गुरु जी एक काम से आए जी। भाई तुम्हें मेरे तक के काम पड़ गया, तुम तो वैसे ही बहुत टैलेंटेड हो। गुरुजी आप ही कर सको उस काम को। चलो भाई, अगर मेरे लायक वो काम हुआ तो मैं जरूर करूंगा। काम यू है जी गुरुजी, इसका रिश्ता लेके गए थे आप? हाँ रिश्ता लेके गया। यू टाल सी कर रहा था जी? हाँ यू टाल तो कर रहा था। अरे यू प्यार जूली से कर रहा है जी? जूली थे? हाँ जी। अरे तुम रहोगे गधे के गधे ही। अरे मैं जूली का रिश्ता लेके ही तो गया था। जूली का? क्या गुरुजी? अरे गुरुजी, जूली का हाथ छोड़। अरे हाथ में दर्द है, चोट लग रही है। हल्का हाथ रख गुरुजी, ये अब नहीं छूटेगा। इस पे दया कर दो जी। अरे अरे गधो, तुमनु तो बताओ तुम के चाहो। गुरुजी वो रिश्ता बस इसका हो जाए जी। गुरुजी मैं तो ये चाह रहा, जूली मेरी हो जा और मैं जूली का। अरे मेरा हाथ तो छोड़। अरे मैं बात करूंगा, बात करूंगा। गुरुजी जरूर कर लो जी। ऐसा करो, तुम जाओ और मैं बात करूंगा। अच्छा ठीक है। हाँ छोड़। अरे अरे तेरी। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक बात और ध्यान रखियो, गुरुजी अगर जुली मेरी ना होई ना तो फिर मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगा। अरे तू ऐसा क्यों कहे, मैं बात करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। जाओ तुम। अरे हाथ को पाड़ के ले जगह गैल।
बस गुरुजी देख लो। अब देख लिया तुम जाओ। ज्यादा में ना करे, कभी ज्यादा खिंची टूट जा। जाओ जाओ मैं बात कर लूंगा। गुरुजी कच्चे मिजाज के, ठीक है गुरुजी फिर आएंगे। हाथी मोड़ दिया गधे, हाथी ले जाते पाइट का मेरा। इसमें तो वैसे ही चोट लग रही। एक तो सुबह सुबह ऐसी मनुष्य खबर पढ़ ली, ऊपर तो ये मेरा हाथ मरोड़ के नालायक कहीं के।